अकाउंट्स फाइनलाइजेशन इन टैली, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी बातें हमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसको हम आज के सेशन में सिंपल भाषा में समझेंगे एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू। तो यहाँ पे पहली चीज़ आपको फाइनलाइजेशन का मतलब समझना है कि फाइनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। आपको पूछा जाता है ना इंटरव्यू में कि आपको अकाउंट फाइनलाइजेशन आता है क्या टैली में, तो इसका पहले मतलब समझिए। फाइनलाइजेशन का मतलब है बुक क्लोज करना, मतलब जब आप एंट्री करते हैं तो आप लेजर चूज करते हैं ना, एक डेबिट एंड क्रेडिट। तो जब आप लेजर चूज करते हैं तो वो लेजर पूरा फाइनल होना चाहिए, मतलब उसमें कोई एंट्री पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एंट्री पेंडिंग है तो उसको क्लोज नहीं माना जाएगा। मतलब फाइनलाइजेशन का मतलब कि आपकी जितनी भी रिक्वायर्ड एंट्री है आपकी एंटिटी के लिए, कंपनी के लिए, वो सब चीज़ आपने बुक कर लिया है। वैसे तो अकाउंट फाइनलाइजेशन करने के टाइम हमें बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं जो हम हमारे कोर्स में इन डिटेल डिस्कस करते ही हैं, लेकिन आज के सेशन में मैं कोई 5 जो इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है जो आपके लिए यूजफुल होगी वो बेसिकली मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको जो है बेसिकली यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फटाफट से जो है हम टैली का डेटा यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। अब प्रैक्टिकली में काम कैसे होता है कि जब आप कंपनीज में वर्क करते हैं तो आप डे टू डे के जो एंट्रीज वगैरह आप करते हैं थ्रू आउट द ईयर, जब आपका एंट्री कंप्लीट हो जाएगा तो आपके जो सीनियर ऑडिटर होंगे वो आपसे जो है डेटा मांगते हैं, डेटा इन द सेंस ट्रायल बैलेंस मांगते हैं, फाइनल ट्रायल बैलेंस, क्योंकि उन्हें उस ट्रायल बैलेंस के बेस पे जो है एक्सेल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है। करेक्ट है, लिंक वगैरह करके पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट टैक्स वगैरह सब हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रायल बैलेंस है ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आओगे। करेक्ट है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आओगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आप आओगे तो यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस आपको जिस फाइनेंशियल ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है वो आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लो, ऑल टेप फोन करके इसको डिटेल करना। लेकिन उन्होंने आपसे ट्रायल बैलेंस नहीं मांगा है, फाइनल ट्रायल बैलेंस मांगा है। फाइनल इन द सेंस पूरा बुक क्लोज हुआ आपने जो कंप्लीट किया है। ठीक है, इनकम्प्लीट नहीं भेजना है, फाइनल ट्रायल बैलेंस आपको करना है, मतलब आपको पूरा बुक क्लोज करने के बाद ही ट्रायल बैलेंस आपको सेंड करना है। तो कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ कि जो चीज़ें हम यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे ओनली उतनी ही चीज़ें जो है फाइनलाइजेशन के लिए रिलेवेंट नहीं है। देर आर मल्टीपल चेकलिस्ट जो हमें ध्यान में रखना होता है हमें जो है फाइनलाइजेशन के टाइम पे, जो हम हमारे पूरे कोर्स में इन डिटेल उसको हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें से कुछ 5 चेकलिस्ट मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहली चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, वेरीफाई ओपनिंग बैलेंस विद प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे ये पॉइंट क्या बोलता है पहले समझो। करेक्ट है, ये आपको क्या बता रहा है कि जब आप प्रीवियस ईयर का जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल हुआ है उसको आपके टैली के ओपनिंग बैलेंस, अब ओपनिंग बैलेंस कहाँ से मिलेगा, F12 कर लो आप, F12 करके यहाँ पे ओपनिंग यस करो और यहाँ पे इसको आप जो है कंप्लीट कर लो, तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस आपको मिल गया। अब ये जो ओपनिंग बैलेंस है, करेक्ट है, प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस आपने कंसिडर किया है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, देखने के लिए मिलता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करते हैं लाइक CA वगैरह या फिर आपके ऑडिटर या फिर जो भी सीनियर वगैरह, तो वहाँ पे वो बैलेंस शीट लेवल पे कुछ एंट्रीज बुक कर देते हैं, जैसे टैक्स वगैरह की हो गई या डिफर टैक्स की वगैरह हो गई, है ना। करेक्ट है, तो वो एंट्री शायद अगर अकाउंटेंट से कम्युनिकेट नहीं हुई तो वो एंट्री टैली में बुक नहीं की गई। तो इसे कभी कभी ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि जो साइन किया हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और जो आपका ओपनिंग बैलेंस है वो उसमें आपको एक आधो एंट्री की डिफरेंस मिल जाएगी, तो वो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ध्यान में रखना है कि आपका जो बेसिकली यहाँ पे बैलेंस है वो आपके जो है प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बैलेंस से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहला चेकलिस्ट है। दूसरा चेकलिस्ट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्लियर द सस्पेंस अकाउंट। अब यहाँ पे बहुत बार ऐसा देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारे ऐसे अकाउंटेंट है कि जैसे मान लेते हो कोई पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो वहाँ पे उन्हें अगर कोई उसका डिटेल नहीं पता कि ये पैसा किसको पे किया या फिर ये पैसा किससे आया, तो वो बैंक रिको या कैश बुक टैली करने के लिए उसको सस्पेंस करके बुक कर देते हैं, है ना, किसी और नाम से अभी बुक कर देते हैं। तो कभी भी जब आप ट्रायल बैलेंस भेजेंगे करेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो उस ट्रायल बैलेंस पे सस्पेंस अकाउंट आपको ध्यान रखिए यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर है तो सस्पेंस अकाउंट क्लियर करो, जो भी रिलेटेड पर्सन के साथ आप डिस्कस करो उसको क्लियर करने के बाद ही आपको डेटा जो है बेसिकली फाइनल कंसिडर करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि सस्पेंस अकाउंट आपको कंसिडर नहीं करना है ना। सस्पेंस अकाउंट आप ऑडिटर को एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हाँ सर सस्पेंस अकाउंट है मुझे नहीं पता, नहीं, वो एक्सक्यूज आपको ऑडिटर को नहीं देना है, आपको इंटरनली आपकी टीम के साथ डिस्कस करके उसको रिजॉल्व करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा फॉरेन एक्सचेंज अनरियलाइज्ड अमाउंट। ये जो चेकलिस्ट है किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है पता है, जो कंपनी जो है ओवरसीज ट्रांजेक्शन करती है तो वहां पे क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो परचेज हो, सेल हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं जिसको, तो वो उसकी जो इन्वॉइसेस होते हैं वो इंडियन करेंसी में नहीं आती, वो जो है फॉरेन करेंसी में आती है। तो वहां पे हमें 31 मार्च को करेक्ट है क्या करना होता है कि जितना भी हमारा पेबल रिसीवल होता है
करेक्ट है, जो बैलेंस शीट रिलेटेड पेबल रिसीबल होता है, उसको हमें 31 मार्च को जो भी एक्सचेंज रेट होगा उसमें हमें कन्वर्ट करना होता है, और हमें अनरियलाइज गेन करके या फिर अनरियलाइज लॉस ऑफ बोलो जो भी बोलो आपको बेसिकली वहाँ पे क्रिएट करना होता है। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है, करेक्ट है। तो ये रेलेवेंट हो जाता है उन कंपनीज के लिए जो फॉरेन जो ट्रांजेक्शन करती है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे तो वेरीफाई द फॉर्म 26AS विद TDS डिडक्टेड फ्रॉम कस्टमर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी चीज का पेमेंट करते हो तो आप TDS कट करते हो, उसी तरह जब आपकी कंपनी को पैसा रिसीव होता है तो आपका भी TDS कट किया जाता है आपके कस्टमर से। तो जब TDS पे किया जाता है, उसका रिटर्न फाइल किया जाता है, तो फॉर्म 26AS में उसका पूरा डिटेल जो है वो मिलता है। तो 26AS में जितना TDS आपका डिडक्ट हुआ है उतना आपने आपके जो रिसीप्ट है जो आपको पैसा मिला है उसमें आपने बुक किया है क्या, एक बार आप वेरीफाई कर लो, करेक्ट है। क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका TDS काटा गया और जो फॉर्म 26 है उसमें डिफरेंस मिलने के चांसेस होते हैं, तो ये वेरीफाई कर लो क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो TDS है उसका हमें सेट ऑफ मिलता है हम जो फाइनल टैक्स भरते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है द इंटर कंपनी बैलेंस हैज टू मैच, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आप बोल सकते हो चेकलिस्ट है कि आप जब कंपनीज में वर्क करेंगे तो वहां पे आपको ब्रांच ट्रांसफर मिलेगा या फिर जो सिस्टर कंसर्न है उनके साथ इंटर कंपनी ट्रांसफर मिलेगी। तो अगर आपने कोई चीज ट्रांसफर किया है तो उन्होंने रिसीव भी तो किया है, तो आपका बैलेंस और उनका बैलेंस क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। इसमें भी बहुत बार डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, तो ये भी आप जरूर ध्यान दीजिए कि आपका ये जो इंटर कंपनी बैलेंस है वो मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सिंपल भाषा में अकाउंट फाइनेंशियल में जो चेकलिस्ट होती है उसमें से कोई 5 चेकलिस्ट हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया। मैं अगेन रिपीट यहाँ पे कर देता हूँ कि इतनी चेकलिस्ट नहीं होती, देर आर मल्टीपल चेकलिस्ट जो हमें हमारे जो डेटाज हैं उसमें हमें वेरीफाई करना होता है, और ये फाइनल होने के बाद ही आपको ये जो डेटा है या आपको जो भी आप खुद भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो खुद आप कंसिडर करें या फिर आपके जो ऑडिटर सीनियर होंगे उनको आपको सेंड करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट है। फिर भी मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई अगर आपको डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।